बसमिरा इस वीडियो लेक्चर में माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कस करते हैं तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं एंड फाइंड इट्स वेवलेंथ और जो लाइट यानी जो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर यूज होते हैं उसी की वेवलेंथ को भी इस यानी इस माय, इस इंस्ट्रूमेंट से हम मैय कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर लाइट पे कंसिस्ट होते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पे टू M1 एंड एम टू सच देट एम वन मोएबल एंड एम टू आर फिक्स यानी दो मिरर्स पे कंसिस्ट होते हैं एक में एम वन है जो कि इसको हम मूव करा सकते हैं चेंज करा सकते हैं और दूसरा एम टू है जो कि एम टू फिक्स्ड होता है टू ग्लास प्लेट्स वन ग्लास प्लेट इज लाइटली सिल्वर्ड ऑन बैक, यूज फॉर पार्शली ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। इसके अंदर दो ग्लास प्लेट्स होते हैं और एक ग्लास प्लेट जो है ये लाइटली सिल्वर्ड होते हैं इसके बैक पे, यानी पार्शली ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के लिए एक गिलास प्लेट को पारशली सिल्वर या लाइटली सिल्वर बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन एंटरफेरामीटर इस बेस्ड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे बेस करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूजुअली बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट यानी जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है uh, यानी उसी के ऊपर ये इसकी जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड करते हैं पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के ऊपर मतलब आई ई एट स्प्लिट्स बीम अप्लाइड टू पार्ट्स एंड रिकम्बाइन दम इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ये जो लाइट uh, रे है यानी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसको स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में और फिर इसको रिकम्बाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न जैसे कि हमें मालूम है कि जब रे uh, अपलाइट जो है या लाइट्स वेव जब रिकम्बाइन हो जाते हैं तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं बनाते हैं लाइट सोर्स है पर से से जो लाइट रे आ रहे इसकी इंटेंसिटी इस ग्लास प्लेट जीवन पे डिवाइड हो जाते हैं एक मैर एम की तरफ जाते हैं दूसरा मेरर M2 की तरफ और वापस इन दोनों मैर पे रिफ्लेक्ट होकर रिकम्बाइन हो जाते हैं जब रिकम्बाइन हो जाते हैं तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाते हैं तो ये इसकी है माइकोल इंटरफेरामीटर की प्रिंसिपल अब वर्किंग पे आ जाते हैं तो अभी आप मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल ऑन पार्शियली सिल्वर ग्लास प्लेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिवाइड डिटो टू पार्ट मूव मोफ्ड वर्ल्ड अदर मूव वर्ल्ड मेरर एम टू जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हम ग्लास प्लेट जो पार्शियली सिल्वर ग्लास प्लेट इसके ऊपर फॉल करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं एक मेरर एम वन की तरफ और दूसरा मैर एम टू की तरफ जाते हैं अब दीज रेज आर स्ट्राइक द मरर्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द ग्लास प्लेट जीवन ये दोनों रेज जो है ये मेरर्स को स्ट्राइक करते हैं और वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस आ जाते हैं जो ग्लास प्लेट जीवन है उसी की तरफ बोथ रेज आर ट्रांसमिटेड फ्राम ग्लास प्लेट जीवन एंड ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यानी इस जीवन से अगेन ये ट्रांसमिट हो जाते हैं जो जीवन प्लेट है इससे ट्रांसमिट हो जाते हैं और इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप

आप बोथ मेरर्स आर सेम दैन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस विल टेक प्लेस एंड ब्राइट फ्रेंजस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप जैसे कि अगर ये मेरर एम वन है इसकी लेंथ एल वन दूसरा मेरर एम टू है इसकी लेंथ एल टू अगर दोनों बराबर हो जैसे कि एल वन अगर एल टू के बराबर हो तो जो यानी दोनों बराबर होगा तो फिर जो यानी जो रिकम्बिनेशन ऑफ वेफ है वो यानी इस वो जो है एक दूसरे को रेनफोर्स करेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वेन देंथ ऑफ मेरर एम वन चेंज इज़ अ रिजल्ट बहुत कंस्ट्रकटि डिस्ट्रकटिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस यानी अगर हम इस मेरर को यानी जैसे कि इस मोएबल मरर को अगर हम मूव uh, कर देते हैं बैक कर देते हैं तो लेंथ एलवन में चेंज आ जाते हैं और लेंथ एलवन की चेंज की वजह से हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस प्रोड्यूस होगा अब इसकी यानी चेंजेस पे आ जाते हैं कि किस तरह से हम मेरर को चेंज करते हैं और किस तरह से हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस बन जाते हैं तो नेक्स्ट है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रेंजेस द मेरर एंड वन मूव बैक थ्रू अ डिस्टेंस लेमडा बाई फोर दाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स विल बीस टू लेमडा बाई टू यानी जैसे कि अगर हम हरर एम वन को अगर लेमडा बाई फोर टाइम जो है पोजीशन लेमडा बाई फोर टाइम यानी जो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट से अगर हम इसको बैक कर देते हैं तो जैसे कि ये ऊपर हमने बैक किया लेमडा बाई फोर यानी ऊपर वाले वेव के अंदर चेंज आया फिर वापसी में लेमडा बाई फोर चेंज आया तो जो रिज़ल्ट होगा यहाँ पर जो दोनों वेव की जो कम्बिनेशन है इसमें जो चेंज होगा वो लेमडा बाई टू होगा लेट्स सपोज जैसे कि अगर हम इसको कंसिडर कर देते हैं तो जैसे कि हमने लेमडा बाई फोर टाइम जो है मिरर को चेंज किया तो आप जो ऊपर जैसे कि लाइट रे जा रहे लेमडा बाई फोर पर वापस ही में चेंज लेमडा बाई फोर होगा दोनों का एलसीएम हमारे पास टू लेमडा अपान फोर ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास लेमडा अपान टू आ जाएगा और हमें मालूम है कि जैसे कि ये एक लाइट वेव है एक क्रस्ट दूसरा इस तरह से ये ट्रप है तो सेकंड वेव का क्रस्ट और ट्रप लेमडा बाई टू का मतलब ये है कि दोनों वेव एक वेव की क्रस्ट और दूसरी वेव के ट्रफ एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा फॉर दिस इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस इन डार्क आर फ्रिंज आर सीन जैसे कि इस यानी जैसे कि मेरर को हमने लेमडा बाई फोर टाइम चेंज किया तो रिजल्ट हमारे पास दोनों वेव की डिफरेंस जो बना पाथ डिफरेंस जो है ये लेमडा बाई टू के बराबर हो, हो गया और इस वक्त जो है क्रस्ट uh, ने ट्रक को कौन साइड किया और रिजल्ट में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मिला और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस हुआ यानी हमें नज़र आया वैन द मेरर एम वन मूव फर्दर थ्रू अ डिस्टेंस लेमडा बाई फोर अगर हम इस मेरर को मजीद लेमडा बाई फोर टाइम जो है चेंज कर देते हैं देन दार्ट डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स विल बी इक्वल्स टू लेमडा अब अगेन जो है पार्ट डिफरेंस लेमडा के बराबर होगा जैसे कि दो वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो फिर जो है यानी ये अगेन जो है इसी तरह से यहाँ से यानी वन व्यवलिन का डिफरेंस होगा यानी जिस जैसे सपोज हमने लेमडा बाई फोर टाइम टाइम जो है लेमडा बाई फोर चेंज कर तो इसका रिजल्ट हमारे पास लेमडा बाई टू आया अब अगर इसको अगेन हम लेमडा बाई फोर टाइम चेंज कर देते हैं तो लेमडा बाई फोर डिवाइड प्लस लेमडा बाई फोर इज इक्व टू टू लेमडा बाई फोर इज टू यानी लेमडा बाई टू आ जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी वन टाइम भी हमारे पास लेमडा बाई टू आंसर आया था फिर अगेन लेमडा बाई टू आंसर आया अब अगर इस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू को हम अगेन रिकम्बाइन कर देते हैं तो टू लेमडा बाई टू आ जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इज इक्व टू लेमडा यानी इसी केस में हमारे पास दोनों वेव के बीच में यानी क्रस्ट क्रस्ट को और ट्रप ट्रप को कोटसाइड करेगा यानी इस वक्त जो है यानी जो फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एंड ब्राइट फ्रेंजेस आर सीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा और ब्राइट फ्रेंच शो होगा एंड दिस वे दरर एम वन चेंज बाय अ डिस्टेंस लेमडा बाय फोर देन बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रेंजेस आर प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली अगर हम इसी तरह से मिरर को लेमडा बाय फोर टाइम चेंज करेंगे एम वन को तो so, कंटिन्यूसली कभी ब्राइट फ्रेंच प्रोड्यूस होगा फिर डार्क uh, होगा फिर अगेन ब्राइट होगा फिर डार्क होगा अब हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था कि इस एमाइक uh, इंटरफेरामीटर से हम वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ तो फाइंड वेवलेंथ लेमडा गिवन लाइट जो लाइट सोर्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसकी वेवलेंथ लेमडा को फाइंड करने uh, हमने फार्मूला बनाना है इसके लिए लेट uh, एम लेट एम बी द टोटल नंबर ऑफ जर्व जो एम हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेंजेस है यानी इंटीग्रल मल्टीपल है वन द मिरर एम वन मूव बैक थ्रो अ डिस्टेंस लेमडा बाई फोर ईच टाइम जैसे कि मिरर को हमने हर बार जो है लेमडा बाई फोर टाइम चेंज किया था देन द टोटल डिस्टेंस पी अब जो पार्ट डिफरेंस है या जो पोजिशन है वो बराबर होगा जैसे कि हमें मालूम है कि पाट डिफरेंस का फार्मूला हमें मालूम था एम लेमडा के बराबर था अब इसी केस में अगर हम लड़ सपोज पी को कंसिडर कर देते हैं तो एम ये आ जाएगा हमारे पास एम और लेमडा की जगह पर लेमडा डिवाइड बाय फोर प्लस लेमडा अपान फोर तो इसको सॉल्व करके हमारे पास पी इज टू एम एंड टू टू लेमडा अपान फोर हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और पी इज टू पी यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी m एन टू लेमडा अपान टू के इक्वल हो जाएगा अब हमने वेवलेंथ के लिए फार्मूला बनाना है तो ये वेवलेंथ ये टू पी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा m डिवीजन में आ जाएगा तो एट्स मीन लेमडा जो है ये टू पी अपान एम के इक्वल हो जाएगा और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन वन यानी इस इक्वेशन से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं जो माइकालसन इंटरपेरामीटर के अंदर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं इसकी वेन फाइंड कर सकते हैं अगर पी पोजीशन भी हमें मालूम हो कि कितना हमने मेरर चेंज किया है और एम जो है कितने नंबर ऑफ फ्रेंजेस हमारे पास बने हैं ये एम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है जीरो वन टू थ्री अप टू सो आन तो इस इक्वेशन वन की कंक्लूजन है फॉर गिवन वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू वैल्यूज ऑफ पी एंड एम वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड देंथ ऑफ लाइट देंथ ऑफ लाइट यानी देंथ ऑफ लाइट जो है यहाँ पर ऑफ uh, लाइट को हम लाइट uh, को हम फाइंड कर सकते हैं uh, यानी फॉर गैल्यू अपी एंड एम यू कैन फाइंड देंथ ऑफ लाइट बाई यूजिंग इक्वेशन वन बाई यूजिंग इक्विशन वन तो ये था माइकलसन इंटरपेरामीटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट अल्लाह हाफिज़